नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं शुभम शुक्ला और आज हम बात कर रहे हैं ब्लू टैब के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का सबसे लास्ट टैब है। यहां पे बात करें तो कुछ व्यूज नज़र आते हैं, हमारे जो प्रेजेंटेशन है वो कैसी देखें और इन व्यू के थ्रू हम किस तरीके से देख सकते हैं ये देख पाते हैं। सबसे पहले बात करें तो नॉर्मल ऑप्शन है जो कि हमारा लगा हुआ पहले से ही है और हमारी प्रेजेंटेशन जो है नॉर्मल में ही रहती है। फिर इसके बाद हम बात करें स्लाइड सॉर्टर के थ्रू हम सारी प्रेजेंटेशन को एक ही पेज में देख सकते हैं। इस तरीके से एक एक करके हम चाहें तो इनको रीअरेंज भी कर सकते हैं एक दूसरे पर ड्रैग करके, और वो तीन चार नंबर में आपस में रीअरेंज हो जाती है। ठीक, तो स्लाइड सॉर्टर के थ्रू मतलब एक दूसरे को अरेंज भी कर सकते हैं और एक साथ देख सकते हैं पूरी प्रेजेंटेशन को। नोट्स पेज में क्या होता है कि प्रत्येक पेज पर क्या नोट्स हमें देना है उसको हम देख सकते हैं। जैसे ये वाला फर्स्ट पेज है, हम इसको नोट्स पेज पर क्लिक करते हैं तो हम इस पर अगर कोई नोट्स देना चाहते हैं तो इस तरीके से हमें नज़र आता है। जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं तो उसके सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है, वहाँ पर निचले हिस्से में ये नोट्स नज़र आता है। जैसे अगर नॉर्मल पे अगर हम क्लिक करें और इसी वाली स्लाइड्स पर जाकर देखें तो देखिए ये हमने नोट किया था जो अभी लिखा है, ये देखिए नज़र आ रहा है नीचे। तो इस तरीके से हम हर स्लाइड के नीचे कुछ ना कुछ नोट्स दे सकते हैं और ये चीज़ जो है वो सामने ऑडियंस को नज़र नहीं आती, ये केवल हमें नज़र आती है जो हम प्रेजेंटेशन अगर दे रहे हैं तो। ठीक, फिर बात करें स्लाइड शो से हमारा जो स्लाइड शो स्टार्ट होता है नॉर्मली, तो सभी जानते होंगे अभी आगे तक के ऑप्शन में यही सीखा होंगे। स्लाइड मास्टर की बात करें तो स्लाइड मास्टर क्या होता है, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो कि हमें सबसे अच्छा ऑप्शन लगता है, क्योंकि अगर हम किसी स्लाइड को मास्टर बना दें और उस पर अगर कोई चेंजेस करें तो हमारी सारी स्लाइड्स पर वो सारे चेंजेस अप्लाई हो जाते हैं। जैसे मान लें कि हम इसको फर्स्ट स्लाइड पर आए और स्लाइड मास्टर पर क्लिक किया और ये स्लाइड मास्टर बन चुकी है, हम चाहते हैं कि जो उस पर अगर टेक्स्ट अगर कोई लिखे हैं तो उन पर कुछ चेंजेस कर दें तो वो चेंज हो जाएँ। इस तरीके से मान लिया हमने कोई लैंग्वेज चेंज कर दी, इफेक्ट चेंज कर सकते हैं, ठीक, कलर वलर भी लगा सकते हो, ठीक। तो और इस तरीके से और भी होम टैब में आकर के हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्टाइल्स और लगा सकते हैं, ठीक। तो हमारे जो टेक्स्ट अगर हैं तो इस तरीके से नज़र आएंगे हर जगह पे, और हम चाहें तो सब टाइटल वाले भी उन पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से टाइटल सब टाइटल में जो भी लिखे होंगे टेक्स्ट वो सब सारे नज़र आएंगे। हम चाहें तो कोई एक सेप इंसर्ट करा के देख लें, जैसे हमने क्या किया, ये एक सेप है हमने इंसर्ट कराई है, ठीक, मास्टर स्लाइड में हमने ये सेप इंसर्ट करा ली। फिर आते हैं स्लाइड मास्टर पे और यहाँ पे आकर के हमने क्लोज मास्टर व्यू किया। अब देखो जो सेप हमने इंसर्ट कराई थी वो सभी के नीचे नज़र आ रही है इस तरीके से, ये देखिए इस वाले भी में है, यहाँ भी है, क्योंकि पीछे छुप गई है क्योंकि ये सेप हमने इंसर्ट कराई थी। फिर से ज़रा हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, स्लाइड मास्टर पे क्लिक करा और हमने जो ये सेप इंसर्ट कराई थी इसको थोड़ा सा अदर लोकेशन पे करते हैं। अब देखते हैं, अब देखिए सब में नज़र आ रही है इस तरीके से अच्छे तरीके से, ठीक, स्लाइड मास्टर के थ्रू हम। और अगर हम चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं, वहीं व्यू पे जाएं और स्लाइड मास्टर पे क्लिक करें और इसको जा करके हम डिलीट कर दें, सब में से हट भी जाएगी, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, ठीक। अब इसी तरीके से हम अगर चाहते हैं हैंडआउट मास्टर, मान लिया कि हमने कई सारे हैंडआउट बना रखे हैं अपनी प्रेजेंटेशन के, तो हम एक हैंडआउट पे अगर कोई चेंजेस करते हैं तो सारी हैंडआउट्स पर चेंज होता है, उसका थीम्स वगैरह में जो भी चाहें तो अप्लाई करते हैं हैंडआउट्स के, ठीक, सेव करंट थीम, इस तरीके से जो है। और इसमें ऑप्शन मिल जाते हैं बहुत सारे हैंडआउट्स के, हेडर फुटर, अगर हम चाहते हैं इसको सेव करना, अभी हमने सेव पर क्लिक करा था और वो खुल के आ गया है, इसको छोड़ो। हैंडआउट ओरिएंटेशन की हम सेट कर सकते हैं, लैंडस्केप चाहें तो लैंडस्केप ले सकते हैं। यहाँ पर बहुत तीन तीन छः तरीके, मतलब एक पेज में हैंडआउट कितने से होते हैं, 6 हैंडआउट्स हो जाते हैं, ठीक। ये ऑप्शन भी पूछ लेता है परीक्षा में, पेज सेटअप के थ्रू हम यहाँ पे पेज सेटिंग कर सकते हैं, ठीक। क्लोज मास्टर व्यू पे क्लिक करेंगे क्लोज हो जाएगा। फिर बात करें व्यू टैब में आता है हमारा नोट्स मास्टर। नोट्स मास्टर क्या होता है, बेसिकली जैसे कि हमने बहुत सारे नोट्स अलग अलग चीज़ों पर अप्लाई कर रखे हैं और उनमें से किसी एक पर अगर चेंज करना चाहते हैं तो सब पे चेंजेस हो जाएगा, ठीक। जैसे कि स्लाइड मास्टर का सेम नोट्स मास्टर है, नोट्स मास्टर उन वाली स्लाइडों पे अप्लाई होता है या उन पे नोट्स पे, जैसे मान लें कि अगर हम इस पे थीम अप्लाई करें, यहाँ से कुछ थीम्स हैं खुल रहे हैं, जैसे ये थीम्स हैं, यहाँ से वो
उत्पन्न करा है। थेम अप्लाई नहीं हो रहा है, अप्लाई हो जा। खैर नहीं अप्लाई हो रहा, आपके में हो जाएगा, कुछ दिक्कत है यहाँ पर, मैं देख लूँगा। यहाँ पर जब थेम अप्लाई कर देंगे तो सारे नोट्स पेज जो हैं वो उसी थेम में नज़र आएंगे। जैसे कि जहाँ नोट्स यहाँ पर व्यू में जब आए थे हमने देखा नोट्स पेज व्यू, तो ये जो नोट्स पेज नज़र आता है वो उसी थेम में नज़र आएगा, या जो भी चेंजेस करेंगे हम वो सारे नोट्स मास्टर में चेंज करने पर सारे नोट्स पेज में वो सब नज़र आएंगे। ठीक, इस तरीके से जो है हमारा ये प्रेजेंटेशन व्यू वाला जो है ग्रुप समाप्त होता है। फिर बात करें सो एंड हाइट, रूलर पर अगर टिक लगाएंगे तो हमें रूलर नज़र आएगा। देखिए अब ये रूलर नज़र आ रहा है इस तरीके से। ग्रिड लाइन पर टिक लगा देंगे तो ग्रिड लाइंस नज़र आएंगी। ये देखिए ग्रिड लाइंस पड़ी हुई हैं। मैसेज बार में मैसेज जब टाइप होता होता है। फिर बात करें जूम, हम अपने प्रेजेंटेशन को कई हद तक जूम कर सकते हैं, 200% करते हैं, काफ़ी बड़ा नज़र आएगी इस तरीके से। तो जितना चाहें हम फिट टू विंडो करेंगे तो उतना ही नज़र आएगा जितना हम स्टार्टिंग में दिया था फिट टू विंडो। ठीक, ये फिट टू विंडो है। कलर ग्रे स्केल अभी क्या है, हमारी कलर्ड है सारी जो भी हैं। नॉर्मल पर क्लिक करके देखिए अब ये सारी कलर्ड हैं। अगर हम ग्रे स्केल पर क्लिक कर दें तो देखिए सब ब्लैक एंड वाइट नज़र आती हैं। और यहाँ पर भी चाहें तो हम जैसा चाहें वैसा ले सकते हैं। ठीक, बैक टू कलर पर कर देंगे तो बैक टू में कलर में हो जाएगी। व्यू पे आएंगे, प्योर ब्लैक एंड वाइट करेंगे तो प्योर ब्लैक एंड वाइट नज़र आ रही है। फिर बात करें बैक टू कलर व्यू, बैक टू में उसी तरीके से नज़र आ रही है। ठीक, फिर हम बात करें यहाँ पर न्यू विंडो, जैसे कि अभी यहाँ पर दो विंडो ऑलरेडी ओपन है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप दो तीन विंडो ओपन है। ठीक, न्यू विंडो के थ्रू हम और एक नई विंडो ले सकते हैं। ठीक, आप देखेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 3 नज़र आ रहे हैं, और एक विंडो पर नई विंडो क्लिक करें तो देखिए अब यहाँ पर 4 नज़र आ रही हैं। ठीक, तो इस तरीके से हम ले सकते हैं। अरेंज ऑल करें तो सबको हम अरेंज कर सकते हैं इस तरीके से, 1 2 3 4 देखिए अरेंज हैं इस तरीके से। ठीक, कास्केड मोड में चाहें तो कास्केड मोड में अरेंज कर सकते हैं इस तरीके से, 1 2 3 4। ठीक, और हम अरेंज ऑल पर जा करके फिर से क्लिक करेंगे तो फिर से अरेंज हो जाएगी। और यहाँ पर जो कंप्यूटर है वो बहुत थोड़ा स्लो काम कर रहा है। हम देखिए यहाँ पर कई सारी हमने प्रेजेंटेशन ओपन कर रही हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। हम क्लिक करके और एक कट कर देते हैं और इस तरीके से एक ही विंडो ओपन करके रखी हमने। ठीक, अब हम बात करें यहाँ पर मूव स्प्लिट, अगर हमें स्प्लिट लगाए हुए हैं तो मूव स्प्लिट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर से स्प्लिट मतलब 20 से डिवाइड करना, अगर लगता है लगाते हैं तो ये होता है कास्केड मोड में या अरेंज ऑल में। जैसे हमने न्यू विंडो ली थी इस तरीके से, कास्केड पे जब हमने क्लिक करा और यहाँ से अगर हमने अप्लाई किया है स्प्लिट, मतलब अगर हम अपनी स्लाइड को 20 से डिवाइड करते हैं, स्प्लिट करते हैं, तो फिर अगर हमें हटाना हो तो मूव स्प्लिट पर क्लिक करते हैं। ओके, स्विच विंडो अगर हमने अलग, जैसे यहाँ पर न्यू विंडो पे क्लिक करी, दो विंडो है हमारे पास, स्विच विंडो के थ्रू हम दूसरी वाली या पहली वाली विंडो पे यहाँ से जा सकते हैं। मैक्रो चीज़ वही है जो हमने उसमें भी बताया था, एक्सेल में एमएस वर्ड में सेम यहाँ भी है वही। जैसे कोई काम कराना हो, अगर हमें रिकॉर्ड करा लेते हैं तो काम दोबारा से आसानी से हो जाता है। मैक्रो पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मैक्रो का नाम दे दिया, मान ले ए नाम दे दिया। ठीक, और क्रिएट पे क्लिक करें, और हम जैसे क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके से मॉड्यूल 1 क्या आ जाता है, और हम चाहें तो इसमें जो भी दे देंगे वो रिकॉर्ड हो जाएगा। फिर जब जा कर के हम रन कराते हैं तो वो चीज़ रन होती है, जब रन कराएंगे तो वही चीज़ बन के आ जाएगी। तो इस तरीके से जो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का व्यू टैब जो होता है समाप्त होता है, और यहीं पर हमारा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट भी समाप्त होता है। सारे ऑप्शन हमने लगभग कवर किए हैं और यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट भी फिनिश हो रहा है। और आप बताएं कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसा लगा, और किसी भी ऑप्शन से रिलेटेड अगर कोई डाउट्स है तो उसको अवश्य ही पूछें, हमें उससे अवश्य ही
आपको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और उसके बगल में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट तुरंत मिल सके और आप रहें सबसे आगे। अगर आपको लगता है कि जो लोग आपके खास हैं और ये वीडियो उनके काम आ सकता है तो उन्हें अवश्य शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।